हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, आशा है आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, घर पे बड़ों का आदर भी करते होंगे और खूब सारी मौज मस्ती भी करते होंगे, इसके साथ साथ पढ़ाई करना नहीं भूलते होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम कराने जा रहे हैं तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाई अमित पब्लिकेशन से पाठ 11। जी हाँ, पाठ 11, जिसका शीर्षक है ईमानदार बालक। देखो, ये देखिए चित्र बना है। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, लड़का क्या कर रहा है, लड़के के चेहरे पर कैसे भाव है, चित्र के बारे में आपको अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से चर्चा अवश्य करनी है। अब सोचो कि क्या सभी बच्चों का जीवन एक सा होता है या परिस्थिति के अनुसार उन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है। आइए कहानी पढ़कर बाल जीवन के एक अन्य पहलू से भी परिचित होते हैं। पाठ प्रवेश। ईमानदारी एक महत्वपूर्ण गुण है जो व्यक्ति के चरित्र को मजबूत और सटीक बनाता है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा सच्चाई और न्याय का पालन करता है, अपितु वह किसी भी परिस्थिति में हो। ईमानदार व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि करती है और समाज में सद्भावना और विश्वास को बढ़ावा देती है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। ये एक एकांकी है, एक नाटक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, पहला दृश्य, फर्स्ट सीन इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे। पहला दृश्य, बाजार का दृश्य। बसंत नाम का एक बालक चौराहे के समीप थैले में सामान लेकर बेच रहा है। वो क्या बेच रहा है, बसंत? बसंत क्या बोल रहा है, छन्नी ले लो, बटन ले लो, माचिस ले लो। मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पास पहुंचता है। ठीक है, एक मजदूर नेता है जिसका नाम है राजकिशोर। साहब, बटन ले लीजिए, देसी बटन। राजकिशोर कहते हैं, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। तो बसंत रुआंसा होकर, साहब सवेरे से अभी तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब में पैसे निकालकर, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। तो बसंत अकड़ कर, नहीं साहब, नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, ये तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप कुछ तो खरीद लीजिए। तो बसंत जो है बटन बेच रहा है लेकिन वो नहीं ले रहा है, तो कह रहा है कुछ तो ले लो। तो राजकिशोर, भाई मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है, होते तो छन्नी ही ले लेता, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा, मेरा नाम पंडित राजकिशोर है, किसी से भी पूछ लेना। तो बसंत कहते हैं, लाइए मैं बाजार से छुट्टे लाता हूँ। राजकिशोर उससे छन्नी लेकर, उससे 10 रुपए का नोट लेकर, बसंत नोट देते हैं राजकिशोर और बसंत नोट लेकर, आप यही ठहरिए, मैं पलक झपकते ही आया, मतलब फटाफट आया, पलक झपकते ही मतलब मैं बहुत जल्दी आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं, तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर रुक जाता है, यानी कि ठहर जाता है। कृष्ण कुमार कहते हैं, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? राजकिशोर कहते हैं, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, 15-20 मिनट हो गए, अभी तक लौटा नहीं है। तो कृष्ण कुमार कहते हैं, तो बस अब वह नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है, पर हाँ आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक है, ले भी गया तो घर में ही है। राजकिशोर क्या कहते हैं फिर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 10 रुपए लेकर यह भी पाठ पढ़ा गया, और दोनों फिर चले जाते हैं। अब क्या होता है, अब दूसरा दृश्य, यानी कि सेकंड सीन, दूसरा दृश्य किशनगंज मोहल्ले का दृश्य। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर जी का घर ढूंढ रहा है। तो प्रताप कहता है एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? तो व्यक्ति कहता है, कौन? वो जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस पीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। तो प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है, राजकिशोर जी बाहर आते हैं। राजकिशोर कहते हैं, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप कहता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है जो आज दोपहर को आपसे 10 रुपए का नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब वे भुनाकर लौट रहा था तो मोटर गाड़ी के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए, यानी कि उसके दोनों पैर मोटर गाड़ी के नीचे आ गए, वह बेहोश हो गया था, इसलिए आपके पैसे देने ना आ सका। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग उसे घर तक
पहुंचा गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा, मैं आपके 8 रुपए लेकर आया हूं। देखा आपने बच्चों, बसंत कितना ईमानदार था। उसके पैरों में चोट भी लग गई थी, मोटर गाड़ी के नीचे भी आ गया था, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने अपने भाई को दिए पैसे और बोला कि ये पैसे उनको वापस कराओ। राजकिशोर ने कहा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रताप ने कहा, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, बस हम दोनों दक्षिण टोला में भीखू महाजन के घर में रहते हैं। पिछले वर्ष जो दंगा हुआ था उसमें हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला था। तो राजकिशोर कहते हैं, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, मानसिंह मैं दक्षिण टोला जा रहा हूँ, तुम इसी समय डॉक्टर को लेकर वहां जल्दी आओ, भीखू महाजन का घर पूछ लेना। प्रताप के को साथ लेकर चलते हैं। भीखू महाजन के घर का दृश्य, बसंत जमीन पर पड़ा कराह रहा है और भीखू वहीं बैठा है। बसंत ने बोला, बड़ा दर्द है आह। तो भीखू ने क्या बोला, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता तो वहां आराम मिलता ना। तो बसंत ने कहा, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो। भीखू कहता है, मैं पहुंचा दूं? मेरे पास बड़ी रकम सौंप रखी है तुमने। प्रताप और राजकिशोर जी का प्रवेश। प्रताप कहता है बसंत की ओर इशारा करते हुए, ये रहा साहब। बसंत कहता है, आप साहब, आप ना जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर ने कहा, चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। मान सिंह के साथ डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर कहते हैं, नमस्ते पंडित जी, आपने यहाँ मुझे किस लिए बुलाया है? बसंत ने कहा, राजकिशोर ने कहा बसंत की ओर इशारा करते हुए, डॉक्टर साहब इस लड़के को देखने के लिए। तो डॉक्टर क्या बोलता है, अच्छा, बसंत के पैरों की जांच करके ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल जाना ले जाना चाहिए। राजकिशोर कहते हैं, मैं एम्बुलेंस के लिए पब्लिक बूथ से फोन करके आता हूँ, आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा, ये गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है कि वो ये ईमानदार है। राजकिशोर जी जाते हैं और डॉक्टर साहब बसंत को सुई लगाने लगते हैं। भीखू कहता है, हाँ हुजूर, आपने ठीक कहा, लड़का बिल्कुल खरा सोना है हुजूर, तभी तो मैं इसे अपने घर में रखे हुए हूँ। दोनों भाई पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की इस उम्र में दिन भर बाजार में कड़ी मेहनत करते हैं हुजूर, बहुत ईमानदार लड़के हैं, ईमानदार की आखिर सुनी ही जाती है। भीखू बोलते बोलते राजकिशोर के पीछे जाता है, डॉक्टर प्रताप की सहायता से बसंत को सुई लगाता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है और पर्दा गिरता है। तो ये था हमारा पाठ और अब हम करते हैं कठिन शब्द, हड्डी, क्षण, छन्नी, कृतज्ञता, छुट्टे, पब्लिक, दक्षिण, मोहल्ला, अस्पताल, मुश्किल, दुर्लभ और डॉक्टर। और अब आता है शब्दार्थ, चौराहा का अर्थ है चार राहें मिलती हैं, समीप यानी कि पास, उत्सुक, इच्छुक या जानने की इच्छा, परिचित मतलब जान पहचान वाला, भुनाने का अर्थ है खुले पैसे या पैसे छुट्टे करवाना, सेवक का अर्थ है नौकर, महाजन यानी किसी विशेष श्रेणी का मुखिया, इशारा यानी कि संकेत, दुर्लभ का अर्थ है जो कठिनाई से प्राप्त हो, सुई यानी इंजेक्शन और कृतज्ञता मतलब उपकार या भाव या एहसान। और अब है प्रश्नोत्तर, पंडित राजकिशोर कौन है? पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता हैं। इस नाटक में कौन क्या बेच रहा है? इस नाटक में बसंत जो था वो बटन, छन्नी इत्यादि इस टाइप की छोटी छोटी चीजें बेच रहा है, माचिस ऐसी चीजें बेच रहा था। प्रताप कौन है, वह किसे ढूंढ रहा है? प्रताप बसंत का भाई था, वह राजकिशोर जी को ढूंढ रहा था। बसंत के लिए भीख क्या थी? बसंत उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे की? बसंत के लिए भीख बहुत बुरी चीज थी, उसे भीख लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने आत्मसम्मान, उसने कहा कि मैं भीख नहीं लूंगा, मैं आपको छन्नी दे रहा हूं और आप मेरे से छन्नी ले लीजिए, मैं आपको इसके और इसके बदले में आप मुझे पैसे दीजिए।
प्रताप ने राजकिशोर को अपने भाई बसंत द्वारा छुट्टा वापस ना कर पाने का क्या कारण बताया? प्रताप ने बताया राजकिशोर जी को कि मेरा भाई ने जो था वो छुट्टी देने आ रहा था, लेकिन उसके पैर जो थे मोटर गाड़ी से कुचल गए, जिसकी वजह से बेहोश हो गया, इस वजह से वो आपके पास नहीं आ पाया। सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। बसंत कैसा बालक है? शरारती, ईमानदार, धोखेबाज या परोपकार? बसंत एक ईमानदार बालक था। बसंत नोट को क्या करने ले गया था? बदलने, चमकाने, गायब करने, भुनाने। वो भुनाने ले गया था। राजकिशोर ने बसंत को कितने रुपए दिए? 20 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए या 50 रुपए? राजकिशोर ने बसंत को 10 रुपए दिए। प्रताप कौन है? बसंत का मित्र, बसंत का भाई, उसका पड़ोसी या भतीजा? प्रताप बसंत का भाई था। राजकिशोर पब्लिक बूथ पर क्यों गए? पैसे मंगवाने, एम्बुलेंस को फोन करने, मित्र से बात करने, पुलिस को फोन करने? वो गए थे एम्बुलेंस को फोन करने के लिए। नीचे गए उदाहरण की तरह नाटक में निम्नलिखित पात्रों द्वारा कहे गए वाक्य खोज कर लिखिए। किसने कहा? बसंत ने। और किससे कहा? राजकिशोर ने कृष्ण कुमार से। क्या कहा? मैं इस पे लिखूंगी नहीं बच्चों, क्योंकि बहुत छोटा है, जगह कम होगी, तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी। राजकिशोर ने कृष्ण कुमार से कहा कि एक बच्चा जो था वो मुझे छन्नी के लिए छन्नी दे गया है और 10 रुपए मेरे लेके गया है कि मैं भुनाने के लिए लेकर आया हूँ, लेके आ रहा हूँ मैं। ये उन्होंने कहा। राजकिशोर ने कृष्ण कुमार से कहा कि एक लड़का जो था वो मेरे से 10 रुपए ले गया है और मेरे को ये छन्नी दे गया है और वो कह के गया है कि मैं 10 रुपए भुनाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो कृष्ण कुमार ने राजकिशोर जी से क्या कहा? कृष्ण कुमार ने राजकिशोर जी से कहा, बस फिर तो आपको जो है वो लड़का जो है, इस टाइप के लड़के बाजार में, ऐसे लड़के बाजार में बहुत ज्यादा मिल हैं, वो गिड़गिड़ाते हैं और वो ठगने का काम करते हैं, इसका मतलब वो लड़का जो है आपको ठग के ले गया है। प्रताप ने राजकिशोर से क्या कहा? प्रताप ने राजकिशोर को बताया कि मेरे भाई ने आपको ये पैसे वापस लौटाने के लिए बोला है, क्योंकि उसके जो है उसका दोनों पैर मोटर गाड़ी के नीचे आके कुचल गए हैं और वो बेहोश हो गया था। अब उसे होश आया तो अब उसने ये पैसे आपको 8 रुपए वापस देने के लिए भेजा है। राजकिशोर ने डॉक्टर से कहा कि ये है वो बच्चा जिसको दिखाने के लिए मैंने आपको बुलाया है। भीकू ने राजकिशोर से क्या कहा? भीकू ने राजकिशोर से कहा कि साहब, ये लड़का सोना है, खरा सोना है, ये बहुत ही ईमानदार है। तो ये हमने क्या किया? ये हमने इसने कहा, इससे कहा, ये मैंने बोले हैं। लेकिन बच्चों मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम थी। और अब हमें वाक्यों के सामने सही और गलत के निशान। बसंत ने बिना छन्नी दिए राजकिशोर जी से पैसे ले लिए। जी नहीं, बिल्कुल गलत। बसंत ने प्रताप द्वारा राजकिशोर जी से के पैसे बसंत ने प्रताप द्वारा राजकिशोर जी के पैसे लौटा दिए। जी हाँ, उसने लौटा दिए थे। बसंत नोट लेके भाग गया था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो बहुत ईमानदार था। प्रताप राजकिशोर जी के पैसे लौटाने उनके घर गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बसंत के पैर की हड्डी टूट गई थी। जी हाँ, बसंत के पैर की हड्डी टूट गई थी। और अब है प्रश्नों के उत्तर। बसंत ने राजकिशोर जी को क्या बेचा? बसंत ने राजकिशोर जी को छन्नी बेची। राजकिशोर भीखू महाजन के घर क्यों जाते हैं? राजकिशोर भीखू महाजन के घर बसंत को देखने के लिए गए। प्रताप ने अपने माता पिता के बारे में क्या बताया? प्रताप ने बताया कि उसके माता पिता पिछले वर्ष दंगों में जो है वो मारे गए। कृष्ण कुमार ने राजकिशोर से बसंत के बारे में कहा, क्या कहा? कृष्ण कुमार ने कहा, फिर तो आपको जो लड़का है वो आपको ठग के चला गया है। भीखू महाजन ने घायल बसंत की सहायता क्यों नहीं की? भीखू महाजन ने घायल बसंत की सहायता इसलिए नहीं की क्योंकि वह जो था उसके पास इतने पैसे नहीं थे, आर्थिक रूप से वह बहुत कमजोर था। राजकिशोर बाजार की ओर उत्सुक होकर किसे देख रहे थे और क्यों? राजकिशोर बाजार की ओर जो थे वो बसंत को देख रहे थे, क्योंकि बसंत जो था उनसे 10 रुपए का नोट लेके गया था और वो कह के गया था कि मैं अभी इसको भुनाकर आपके 8 रुपए वापस करता हूँ, इसलिए वो बाजार की तरफ देख रहे थे। बसंत राजकिशोर से बार बार कुछ खरीदने का आग्रह क्यों कर रहा था? बसंत राजकिशोर से कुछ खरीदने का आग्रह इसलिए कर रहा था क्योंकि सुबह से उसे किसी ने कुछ भी नहीं खरीदा था, इसलिए वो चाह रहा था कि राजकिशोर जी उससे कुछ छोटी सी भी चीज कुछ ना कुछ खरीद ले। तो बच्चों, इसके साथ हमारा ये वाला पाठ यही समाप्त होता है।
आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।